इसलिए जो कुछ भी जीवन में करना है वो सुख के लिए, प्रभु के सुख के लिए करना है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, ये बात जान करके तभी कोई कार्य करना है। और नहीं जान लो मेरे भाई, चार दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात, जितना माल लूटना है लूट लो, सब यहां छोड़ करके जाओगे लेकिन जन्म अपना बिगाड़ करके जाओगे। माल तो छूट करके जाओगे लेकिन अपना जन्म बिगाड़ करके जाओगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये क्या है, मोबाइल। हमारे पास मोबाइल नहीं है और हमने आपसे झूठ बोल करके, आपके साथ ठगी करके मैंने मोबाइल आपसे खरीद लिया। हम अगर मर गए तो ये मोबाइल तो हमारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। लेकिन जो इसको लेने के लिए हमने झूठ बोला है, जो पाप किया है, वो पाप हमारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? कन्फर्म जाएगा। तो ये तो हमारे साथ नहीं गया, लेकिन इसको लेने के लिए जो हमने पाप किया वो हमारे साथ गया। ये मोबाइल हमारा जीवन बिगाड़ दिया, हमारा जन्म बिगाड़ दिया। अगले जन्म में सुअर बन के जन्म लोगे, ऐसे फुटपाथ पर घूमते फिरोगे, एक एक रुपए के लिए तरसोगे, उस दिन समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आता, अभी नहीं समझ में आता। अभी तो सोचते हैं बस अपना काम बना लो, कितना लूट करके कितना रख लो, बस इसी के पीछे पड़े हैं, इसी के पीछे। ध्यान रहे, यहां पे ज्यादा देर तक कुछ भी नहीं टिकता है, ज्यादा देर कुछ भी नहीं टिकता है। उसको बहुत संभाल करके, बहुत संजो करके रख लीजिए। और एक आपको उदाहरण देता हूं, आप 1 करोड़ बैंक में डाल करके मर गए, पैसा आपके पास गया नहीं, आप यहां से ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, लंदन घूमने जाओ, आप यहां से 1 करोड़ रुपए अपने जेब में लेकर के जाओ, क्या लंदन घूम पाओगे? नहीं घूम पाओगे। क्यों नहीं घूम पाओगे? क्योंकि आप यहां से जाओगे तो पहले अपने 1 करोड़ को डॉलर में बदलना पड़ेगा, डॉलर को लेकर के लंदन आप घूम पाएंगे, नहीं तो नहीं घूम पाएंगे। वैसे ही जो आप धन कमा रहे हो ना, उसको धर्म में लगा करके उसको पुण्य रूपी धन में परिवर्तित कर लो, जो आपके साथ जाएगा। अपने साथ ले जाने का प्लान कर लो और वो ऐसे ही जा पाएगा। इस धन को परिवर्तित कर लो धर्म में लगा करके, इकट्ठा करने से कुछ जाने वाला नहीं। जो यहां से ले जा पाओगे उसमें इसको बदलने का प्रयास कर, उसमें बदलने का प्रयास कर। तो इसलिए गोपियां चाहे हम सबकी दशा, प्रत्येक जीव का केवल एक ही कार्य है, प्रत्येक कार्य से भगवान को संतुष्ट करना। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि कोई कार्य करने से पहले आप ये बात जरूर ध्यान रखना, क्या कि ये करने से वो खुश होगा या दुखी होगा। अगर वो प्रसन्न होता है तो भी करना, अगर वो नाराज होता है तो मत करना। अभी एक जगह गए थे कथा करने के लिए, तो नाम नहीं लेंगे, कथा लाइव चल रही है, कहेंगे महाराज सब जगह हमारे बारे में बोलते हैं। गए कथा करने के लिए तो वहां एक ऐसी विकलांग औरत आई मिलने के लिए, वो बड़ी श्रद्धा रखती है, आई कथा सुनी, कथा सुनने के बाद हमसे मिलने आई, एकदम विकलांग, मतलब वो चल भी नहीं सकती, उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, एकदम हाथ पैर उसका कुछ काम नहीं कर सकता, ऐसे बैठे बैठे घसीट के चलते। तो हम उसको पूछने लगे, ऐसे बात होने लगी, तो बात बात में निकल आया कि घर नहीं हमारे पास। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा घर हम लोग बनवा देंगे। बोली नहीं, बन तो रहा है लेकिन कुछ पैसा कम पड़े। हम कहे पैसा कम पड़े? बोले कि आवास तो हमको मिला है लेकिन उस आवास के पैसा में से 25,000 या 30,000 रुपया प्रधान ले लिए हमसे। तुम उस लूली लंगड़ी का नहीं छोड़ रहे हो, तुम कहां जाओगे मुंह दिखाने? कहां जाओगे मुंह दिखाने? तुम उसका पैसा ले लिए जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं, जिसके पास खाने के लिए नहीं, तुम मर रहे हो उसके 20,000 रुपए के लिए?
तुम उससे पैसा ले लिया। अरे तुम्हारा तो परम कर्तव्य है, तुम उसके राजा हो और तुम उसको आवास न भी मिले तब भी तुम अपना पैसा खर्च करके उसको रहने की व्यवस्था। लेकिन ऐसे ऐसे गरीबों का लोग शोषण करते हैं, उनको शर्म नहीं आती तनिक भी उनके पास। इतना सेंस भगवान ने नहीं दिया कि हमें किससे लेना। मैं सच बता रहा हूं व्यासपीठ से, मैं कहीं कथा करने जाता हूं, कहीं भी मैं जाता हूं तो कोई बड़ा आदमी आए दो 500 रुपए दे करके जाए तो हमको आनंद लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति आता है और अपनी औकात से हमको दक्षिणा दे करके जाता है, मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है। मैं यहां से कह रहा हूं, एक ऐसी बुजुर्ग औरत है जो दूसरों के घर में बर्तन धुलती है और वो जब हमसे मिलने आती है तो औकात से ज्यादा दक्षिणा दे करके जाती है और सामान भी हमारे हमको लेकर के आकर के देती है, बोलती है महाराज जी आप इसको रख लो। और हम तो उसको 4 साल से मना कर रहे हैं, वो बोल रही थी कि जैसे ये माला है, बोली कि आप हमको 108 दाना दे दीजिए सोने का बनवा के, हमारा मन है आपको पहनाने का। 4 साल से टाल रहे थे, हम कहे हम पहनेंगे नहीं, अगर तुम दे दोगी भी तो हम तुलसी कलाओं सोना पहनते नहीं गले तो वो तुम्हारा बेकार जाएगा। बोले हम आपके खाते में पैसा डाल, हम उसको अपना खाता नंबर नहीं दे रहे। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि आज मैं 10 साल से घूम करके मैं देख रहा हूं कि जिनके पास कुछ नहीं है भगवान ने उनको दिल दिया है, जिनके पास भगवान ने धन दिया है उनको भगवान ने बुद्धि भी नहीं दिया है, उनको बुद्धि भी नहीं दिया है। इसलिए आप लीजिए उससे जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्यवान है उससे लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा भगवान को भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो असमर्थ है असहाय है उसकी आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन आप उसका शोषण कर रहे हैं। आप अगर उससे 25,000 ले लिए ना तो कहीं भगवान फंसा करके 25 लाख निकाल लेंगे आपसे। चिंता करने की जरूरत है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। इसलिए जीवन में सदैव याद रखना है, अगर भगवान ने आपको कुछ बनाया है उस योग्यता वो दी है तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर हमारे बगल में ही प्रधान जी बैठे थे, वो भी बैठे थे, हमने उनको कहा, हम कहे भाई फोन लगाओ प्रधान को थोड़ा तो, भाई जो प्रधान लिया है इनसे पैसों को फोन लगा, वो हाथ जोड़ ले, अरे नहीं महाराज जी ऐसा मत करिए, वो प्रधान जी हमको बहुत गाली देंगे, बोले थे किसी को बताना मत, मैं आपको बता दी तब ये फैल जाएगी बात। हम बोले चुप रहो कुछ नहीं, वो पैसा नहीं देगा, हम घर बनवाएंगे तुम्हारी चिंता मत करो। फोन लगवाए प्रधान के पास, नाम बताए प्रधान जी अपना, पूछे आप इसका पैसा लिए हैं, बोले नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं लिए। बोले गोबर गणेश वो यहीं बैठी है वही बोल रही है, किससे छुप रहे हो? अपनी किस्मत से मत छुपो, अपनी तकदीर से मत छुपो, छुपना है तो किससे छुपना है? अपने पापों से नहीं छुपना है, छुपना है तो अपने पुण्य से छुपना है। पुण्य किसी को प्रकाशित मत करो, पाप को छिपाना नहीं है, पाप को प्रकाशित करना है। प्रकाशित करने से पाप कटता है, कटता है।